गुड आफ्टरनून। आज का व्लॉग मैं दोपहर से शुरू कर रही हूँ और आज मैं जा रही हूँ डिफेंस का जो सबसे बड़ा कैंटीन है, टॉरस कैंटीन। मतलब उसको ऑल्दो मॉल भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ आपको एक टूथपिक, एक सेप्टिपिन से बड़े बड़े कार्स, एसी, आप यू नो हर एक चीज अवेलेबल है। तो ये बेसिकली किसका है? आर्मी का है ना, ये आर्मी का है। तो ये मैं कभी गई नहीं हूँ, ये दिल्ली में है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम इसमें जाऊंगी और देखती हूँ कि मुझे जो चीजें चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिलती है और कैसा है। और आई थिंक प्राइस वाइज तो सब कैंटीन का सेम ही है, आई थिंक 30% मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट रहता है। तो अभी जाके देखती हूँ कि मिलता है कि नहीं, और मैं ऑलरेडी हमेशा की तरह लेट हूँ, तो चलते हैं। सो आज जो मैंने ये जो ड्रेस पहनी है ये है वेरोमोडा का और ये जीन्स है ट्रेंड्स का। जब मैंने ये खरीदी थी तब मैं 80 kg की थी, अभी भी हालांकि मैं 73 हूँ पर ढीला आ रहा है, पर ऑलमोस्ट फिट है, कंफर्टेबल है। सो जैसे सबको पता है अभी न्यूज में जो G20 निकल रही है उसके लिए ये पूरा एरिया जो है कैंट का, दिल्ली कैंट का पूरा डेकोरेशन चल रही है। और देखते ही देखते ये इस जगह को इन्होंने इतना सुंदर डेकोरेट कर दिया है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। टॉरस के यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो गई है, फिर हम एक छोटा मोटा, फिर हमने शेक पेक पिया पेट पूजा करके, फिर इसने ना यहाँ पर हम पार्क देखी तो ये तो जिद करने लगा कि अब इसको पार्क खेलना है। तो मैंने कहा कोई नहीं यार, थोड़ा एंजॉय करे, तो अब ये पार्क एंजॉय कर रहा है। और ये जो एरिया है ना मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना अच्छा है। जैसे कि अभी वेदर चेंज हो रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर उतनी ह्यूमिड वाली गर्मी नहीं है, तो इट्स रियली गुड। एंड स्पेशली विंटर्स के टाइम पे ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा बैठने में। गुब्बू बाय बाय। वेरी गुड, इसे तुम टॉल हो जाओगे पापा जैसे। वाओ, ये पता है मुझे और मुझे करने की जरूरत है पर मुझसे होगा नहीं। आ जा गब्बू, आ जा 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 जा। ये गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ सुबह की चाय के साथ। मा है ना चा कुंटा वन दुटोर मध्ये दुटो एकी गुली एकी गुली। हेलो, अभी मैं कैस्पर को लेके थोड़ा सा निकल गई हूँ, हालांकि अभी 10 बज रहा है। उसको मॉर्निंग वॉक हमने पहले ही सुबह करा लिया था पर अभी क्या ना ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। और कल क्या हुआ, कल ये एक जर्मन शेफर्ड फीमेल से मिला, ठीक है। उसका जो वो ऑफिसर था ना, उसके जो पापा थे, वो मैं बोल रही हूँ मत मिलाओ मत मिलाओ, कि नो मैम लेट हिम करके यू नो उनको मिलने दो बस। अब मेरा ये जो ठरकी कुत्ता है ये तो शुरू हो गया सबके सामने, पर किसी तरह मैं लेकर आई खींचतान के, मैं तो पकड़ भी नहीं पाई थी, उसी ऑफिसर ने पकड़ा। पर उसके बाद से क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है उसको हर वक्त अब एक फीमेल चाहिए, तो अभी मैंने सातों को बोला है कि ना थोड़ा सा ढूंढने के लिए, वेट को फ़ोन करने के लिए कि इसके ब्रीडिंग करवानी है, इसके लिए खबर लो। हम हालांकि बहुत दिनों से ही ढूंढ रहे हैं पर हमें मिल नहीं रहा है। तो ये रहा बदमाश यहाँ पर। आजकल ना वेदर अब चेंज हो रही है ना, तो अभी ये 9:30 ये जो धूप है ना इतनी कड़क नहीं है और बहुत अच्छा लगता है। एक हवा भी आती है ना तो ऐसे चलने में इस एरिया में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से वो जो ऊपर वाला है वो हमारा घर है, वो वाला। कल ये लोग मिले थे प्रिंसी राम, क्या नाम है इसका, पेरी पेरी। नो गैस्पर, नो आई छोड़ दो भैया उसको, छोड़ दो बड़ा, छोड़ दो नहीं गैस्पर, बदतमीजी नहीं करो। वेरी गुड।
तो अभी देखा कैस्पर को तो घर आना ही नहीं है, अभी भी कुई 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 कर रहा है। तो सार्थक ने भी वेट को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि एक ब्रीडर ने उनको फ़ोन किया हुआ है, तो आपका कोई प्राइवेट जगह है कि नहीं जहाँ पे ब्रीडिंग करा है। तो हमारा गार्डन है, सो होपफुली भगवान करे एक गोल्डन रिट्रीवर फीमेल मिल जाए लाइफ में एक बार, उसको अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी जो भी है उसको मिल जाए, कुछ हो जाए मेरे ठरकी बच्चे का। तो कल जो है जो हमने टॉरस कैंटीन से क्या क्या खरीदा, मैं तो पागल ही हो गई। और एक्चुअली हम काफ़ी लेट हो गए थे, हम 4:45 को वहाँ पहुँचे और विद इन 5 o'clock वो सारे जो शॉप्स हैं वो बंद हो जाते। ऑनेस्टली मैंने ऐसा कैंटीन कभी नहीं देखा। इट्स लाइक मतलब आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी एक मार्केट मॉल नहीं, एक ओपन स्पेस में सुंदर सी जगह पे यू नो हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो मैंने जो और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है, मतलब मैंने इवन ऑनलाइन भी, ऑनलाइन मोस्टली क्या अमेज़न में डिस्काउंट मिलता है, उससे भी अच्छा मुझे यहाँ मिला है प्राइस वाइज में। एक तो ये सार्थक ने डिसाइड किया, यूजुअली क्या होता है ना सार्थक शॉपिंग में जाता है ये ले लो वो ले लो, मैंने ये नहीं चाहिए ये अच्छा नहीं है, पर कल उसने ये एक चूज़ किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास ऐसे कलरफुल कप्स थे पहले जो टूट गए थे और गुब्बू को बहुत पसंद है, तो और इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है जिसमें यू नो गुब्बू पी सके। फिर मैंने कुछ नेसेसरी आइटम्स खरीदे, ये जो है मैंने किचन टॉवल्स खरीदे, ये मुझे बहुत दिनों से चाहिए थे और अमेज़ॉन में ना करीब 100 ये पर पीस 20 करके था। ओ कैस्पर के लिए साथ ये खरीदा, ये तो दिया ही नहीं कैस्पर, ये कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा जो। और एक जो है बुबू के लिए टॉय खरीदा था, वो तो हमने उसने कल ही खोल लिया। साथ में हमने 3 टॉल इतने रीजनेबल और इतने अच्छे अच्छे हमने खरीदे ना, बहुत आवाज़ हो रहा है इसमें। ये एक बड़ा सा टॉल है, ये सारे जो टॉल्स हैं ये 325 में, आप देख रहे हो कितना बड़ा है, पर जब मैंने होम सेंटर में देखा था ना वहाँ 1200 करके एक एक टॉल्स थे, तो मैंने नहीं लिए, मैंने कहा इतने महंगे नहीं लेने। तो ये कलर लिया, डार्क कलर लिया क्योंकि ना मेंटेन करना इजी रहता है। और एक मैंने लिया है ये वाला लाइट कलर का, ये तो बहुत सॉफ्ट है, ये स्पेशली गेस्ट के लिए कि जो भी गेस्ट आएंगे फॉर उनके पर्पज़ के लिए ये एक मैंने ली हुई है। साथ में ये मेरी मदर इन लॉ के लिए एक हमने ना, वहाँ मेरी ये मदर इन लॉ को वो पसंद आया ये बैग, तो हमने ये ले लिया है। ये ना जस्ट 250 रुपीज़ का है, ठीक है। मैंने कहा यार ले लो वहाँ, मतलब ऐसे ही बहुत ही रीजनेबल रेंज में है, मेरी मदर इन लॉ को ये पसंद आया। पर बहुत और भी बेटर बैग्स है, जैसे मतलब हर रेंज के हैं और मतलब हर एज ग्रुप का है कि आपको अच्छा इस एज के लिए चाहिए, इस एज के लिए चाहिए, सारे मिलेंगे। और जो मेन पर्पज़ था वहाँ जाने का वो था क्योंकि राखी आ रही है, आज हम राखी के लिए एक्चुअली जाने वाले हैं। जो मेरी ननद है जिसको आपने लास्ट ब्लॉग में देखा कि आईब्रो भाग दिया, तो वो यहीं पे रहती है, तो वो हमें आज ट्रीट के लिए भाई को मिलना है और हम फ्री में हम भी जा रहे हैं स्ट्रीट के लिए, तो वो हम सिलेक्ट सिटी मॉल जाएंगे, तो उसमें वो एक लंच पार्टी देने वाली है। तो अब राखी है तो उसके लिए गिफ्ट तो बनता ही है, तो क्या ले, बेसिकली मुझे बैग लेना था पर बैग का शॉप मुझे इनिशियली दिखा नहीं, वो बाद में दिखा तब हमने ये लिया। उसके पहले हम ये खरीद चुके थे, तो वो यहाँ पीजी में रहती है, तो क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है थोड़ी सी ठंड आ रही, तो हमने क्विंट ले लिए जो ये वाला, अच्छा ये काफ़ी बड़ा एंड ये डबल बेड का है और ये अराउंड 2000 लिया हुआ है, तो एवरीथिंग वॉज वेरी रीजनेबल। ओ और एक चीज़ लिए, जो ये राखी है जो मेरी सासू माँ गुब्बू को बांधेगी, और साथ में मैंने ये एक कारपेट लिया है, कारपेट ही बोलते हैं ना ये वाला, ये किचन के लिए मैंने ली हुई है ये, मुझे और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वहाँ और भी बहुत सारे रेंज थे इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस, और काफ़ी हैवी है और आप थिकनेस देख सकते हो, उसका थिकनेस भी काफ़ी अच्छा है, ये 1500 उन्होंने ली हुई है। और वहाँ पे ना इवन वैसे भी थे जैसे थोड़ी सी दरी टाइप जो रफ़ यूज़ के लिए ना, पर मुझे ये पसंद आई है क्योंकि इसमें थोड़ा ग्रीनिश है, तो क्योंकि मैं अपने थोड़े प्लांट्स रखना पसंद करती तो किचन में उसके साथ तो थोड़ा सा ग्रीन का टच होता है तो अच्छा लगता है। तो ये मैंने शॉपिंग की हुई है कल, और अब मैं नहा धो के, ओ और एक चीज़ आई है जो मतलब अफवाह से नहीं है, मिंत्रा से मैंने ऑर्डर किया है मेरे लिए एक, शायद मैंगो का है कि वेरेमोडा का है, माँ कांची पर नहीं नहीं मचाई ना ऐसे ही बचा रहा है। ये एक मैंने वेरोमोडा का टॉप लिया, पर ये कैसा है अजीब सा,
मैंने सोचा था ना ये थोड़ा सिल्की शाइनी, वो जो सैटिन का होता है ना, मैंने कुछ ऐसा सोचा था, पर ये वैसा नहीं है। ये तो बहुत गंदा है। हाँ बहुत गंदी है। इसका जो ऑरेंज है पता नहीं वीडियो में समझ आ रहा है कि नहीं, वीडियो में अभी मैं देख रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, पर सामने से ना बहुत चीप क्वालिटी लग रहा है। मतलब बरमूडा का जैसे होता है वैसा तो नहीं लग रहा है, मतलब इट्स नॉट शर्ट टाइप। ये मुझे लगता है रिटर्न करना पड़ेगा, एक बार पहन के देख दूँ। कभी कभी होता है ना पहनने से अच्छा लगता है, पर समाओ मैंने कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था। चलो कोई नहीं, अभी मैं नहा दो के एक बार पहन के देखती हूँ, वरना इसको तो मैं रिटर्न कर दूंगी। तो ये जो मैंने ड्रेस पहनी है जो आज सुबह मिंत्रा से आया था बरमूडा का, तो मैंने चेंज नहीं किया, पहनने के बाद ना ये अच्छा लगने लगा। सो ये रहा मेरा ड्रेस, साथ ही थोड़ी नीचे से दिखाओ मेरे शूज है पूरा, ये रहा, ये देखो ये काजू काजू, प्लीज एक वीडियो कर दे। सी आपको इसी तरह मैनेज कर करके देखना पड़ेगा क्योंकि कैसे दिखने नहीं देना। तो गुब्बू भी प्यार से एकदम अच्छे से रेडी होकर गया, क्योंकि पीशी बड़ी फेवरेट सी है, उसको इम्प्रेस करने के लिए वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रेडी हो गया है ना। और ये टेडी कल जो हमने एक बैग खरीदा ना मेरी सासू माँ का, उसमें ये लगा हुआ था जो उसने निकाल लिया। और सार्थक भी रेडी है, साधु का आज दिखाया जा सकता है क्योंकि वो यूनिफॉर्म हाथ भर जाएगा। क्यों हाथ क्यों भर जाएगा? राखी रक्षा बंधन एक ही भरेगा ना, अभी तो खाली है। ओ अच्छा, पता चला वो भूल गई। और मेरी सासू माँ भी एकदम समरी ड्रेस में एकदम रेडी है। अच्छा मेरी सासू माँ एक क्वेश्चन पूछ रही है, जिज्ञेस करो माँ। बोलो कौन जिनिस हमरा खाई, सबाई खाई, सब पूरे वर्ल्ड में सबाई खाए, किंतु एक ही नाम है ताके डाका है, एक ही नाम। अच्छा मेरी सासू माँ बोल रही है कि ऐसा कौन सा चीज जो हम खाते हैं और पर वो इंग्लिश हिंदी बंगाली सारे में एक ही चीज है, मतलब कोई अलग वर्ड नहीं है, कोई एक ही प्रोनाउंसिएशन, एक ही वर्ड है। क्या है? मैंने बोला धोखा, मर गया नहीं, धोखा इंग्लिश में तो अलग होगा, सब भाषा में अलग होता है धोखा। तुम्हें पता है? गेस तो नहीं कर पा रहा, और शायद व्यूअर्स को पता हो। आंसर बोल दो। हाँ बोलो। नहीं नहीं, आंसर व्यूअर्स को बोलने दो, एंड ऑफ द वीडियो में आंसर रहेगा। नहीं 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 नहीं, बताओ नहीं, हम मेरा तो पेशेंस ही बैठ रहेगा। कॉफी कॉफी। ओह हाँ, तो टी हो तो है ना, टी तो चाय बोली हमरा। ओ अच्छा, तो कॉफी कॉफी बताओ, मैं पीता हूँ, मुझको ही नहीं मालूम था। तू बे उमनी तो कॉफी, कैडबरी या चॉकलेट जो भी है ना, करेक्ट करेक्ट। तो अभी आप कमेंट करके मुझे बताएं ऐसे कितने सारे वर्ड्स हैं जो ऐसे इंग्लिश हिंदी बंगाली सब जगह एक ही चीज होती है और वो खाई जाती है, तो ये कमेंट करके आप मुझे बताएं प्लीज। सिलेक्ट सिटी मॉल आ गए हैं और ये है साधक के बड़े भैया। तो वो पहले बड़े भैया को राखी बांधेंगे, और वो उस दिन ना ही इज अ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है और इंडिया के नंबर वन प्रोफेसर है बापादित्य मुखोपाध्याय। पर आज जो ये शर्ट पहन कर आए उनकी प्रोफेशन के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। और अब साधक को बन रही है उसकी हंसी देखी, मतलब जैसे लगता है रुक ही नहीं रहा है, इज सो हैप्पी। और इसके बाद हम एक्चुअली घर आ गए थे और तुतलाई भी हमारे साथ ही घर आ गई थी, उसने नाइट स्टे किया और अब वो अपने ऑफिस के लिए निकल रही है। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। सो टाटा बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।